इसलिए कसम के देश, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती मना रहे। महात्मा गांधी जी के जीवन का दर्शन कि स्वच्छता और स्वतंत्रता में भी उन्होंने स्वच्छता को प्राथमिकता दी। स्वच्छता का विषय जो उनके जीवन में सबसे अधिक प्रिय और सबसे करीब उनके जीवन के विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके इस विषय को आगे बढ़ाते हुए 2014 में देश के सामने लाल किले के प्राचीर से जब ये लक्ष्य रखा कि हम देश को खुले में शौच से मुक्त करेंगे, देश दुनिया में अलग अलग तरह से सोचने वाले, समझ रखने वाले लोगों ने अलग अलग तरह से उसकी प्रतिक्रिया दी, लेकिन ये सपना देश के लाखों ऐसे लोग जो इस संकल्प के साथ में जुटे थे, जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता ग्राही ऐसा नाम दिया, उनके माध्यम से सब पूरा हुआ। हम शायद कभी इस विषय की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह से शौचालय निर्माण और खुले में शौच की बात लाल किले के प्राचीर से करेगा। बहुत से लोगों ने इसकी भी आलोचना की थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की ड्राइविंग फोर्स थी कि हमने उस सपने को, उस लक्ष्य को पूरा किया। माताओं बहनों को इस कष्ट से, खुले में शौच के कष्ट से मुक्त किया। देश को इस व्यवहार परिवर्तन के कारण से देश में रहने वाले, गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन लाया। न केवल परिवर्तन आया अपितु दुनिया की बहुत सारी एजेंसीज ने इसका अध्ययन किया है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भी अध्ययन किया, वर्ल्ड बैंक ने भी अध्ययन किया कि इसके कारण से जो है प्रति परिवार ऐसे सारे रोग जो वाटर बोर्न डिजीज, जो पानी के कारण से, जो स्वच्छ न होने के कारण से जो डिजीज होती हैं, जो खुले में शौच के कारण से पानी में अशुद्धियां जाती है उसके कारण से जो बीमारियां होती है, उसके ऊपर होने वाला खर्च प्रति परिवार एवरेज 50,000 रुपये प्रति वर्ष कम हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मिशन ने निश्चित रूप से जन स्वास्थ्य के प्रति न केवल चेतना जागृत की, अभी तो एक नए पायदान पर पहुंचने का हमको अवसर दिया। हमने शायद कभी कल्पना नहीं की होगी कि शौचालयों के सौंदर्यीकरण, उनके रखरखाव के लिए भी कंपटीशन होगा। पूरी दुनिया में शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी कि उन्होंने एक ऐसे विषय जिस पर चर्चा करना भी भारतीय समाज में वो ठीक नहीं माना जाता था, उसको एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया, जन जन के आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। हमने आज पिछले 4 साल से लगातार जो ये क्रम चल रहा है उसी श्रृंखला में आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। देश में अनेक राज्यों में जो राज्यों के स्तर के कंपटीशन में राज्य प्रथम आए, या जो पहली दूसरी तीसरी पायदान पर आए, जो जिलों ने ऐसा सम्मान हासिल किया, जिन पंचायतों ने ऐसा सम्मान हासिल किया, जिन बच्चों ने ऐसे विषयों पर अपनी बातचीत कर, अपनी अपने निबंध लिख करके पेंटिंग के माध्यम से हिस्सा लिया, उन सबको सम्मानित किया। हम शायद सोच भी नहीं सकते थे कि कोरोना की इस आपदा के अवसर में, समय में भी जब बच्चों से इसका आह्वान किया जाएगा तो लगभग 25 लाख बच्चे देश भर में इसमें हिस्सा लेंगे। 25 लाख एंट्रीज को सेग्रीगेट करके उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसा 3 छांट करके पुरस्कार देना, चाहे ऐसे हो या जो पेंटिंग का कॉम्पिटिशन हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और मैं ये मानता हूँ कि वो 25 लाख के 25 लाख बच्चे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है वो सब सम्मान के अधिकारी हैं, उन सब का निश्चित रूप से अभिनंदन होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सारे बच्चों का, उनके अभिभावकों का, उनके जो है स्कूल के टीचर्स का, उन सब का भी बहुत सारा आभार और अभिनंदन करता हूँ। सर, एक सवाल है, 29 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने जो अनवेल किया है लोगो जल जीवन मिशन का, और एक टारगेट दिया 100 डेज का जो कैंपेन जिसकी आज शुरुआत कर रहे हैं, तो कैसे वो कैंपेन चलेगा, कैसे लोगों को चिट्ठी गई है ग्राम पंचायत? देखिए, हमने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है कि आगामी 100 दिन हम इस लक्ष्य को पूरा करें, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को सफल जो है सच करें। हमने कहा है कि जिन गांवों में पानी की उपलब्धता है वहां विद्यालयों में और आंगनबाड़ी केंद्रों में प्राथमिकता के साथ में कनेक्शन दिए जाएं। लेकिन शायद कुछ गांव देश भर में ऐसे भी हो सकते हैं भौगोलिक परिस्थिति के कारण से वहां पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, और अगर होगा तो भी वो जो है कहीं फ्लोराइड होगा, आर्सेनिक होगा, आयरन होगा,
या और कोई अशुद्धि उसमें हो, तो हमने कहा है कि अगर वहाँ पानी की उपलब्धता नहीं हो सकती तो टेम्पररी मेजर हम ऐसे छोटे फिल्टर्स वहाँ पे स्थापित करें ताकि बच्चों को पीने का ठीक पानी मिल सके और उनको वेक्टर बोर्न डिजीज से जो है ग्रसित न होना पड़े। Download Tarang Online Radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.